Hello friends, welcome on my YouTube channel. Today we are going to discuss the topic carbon and its compound. Carbon और उसके यौगिक. तो firstly हम ये देखेंगे कि carbon होता क्या है. Carbon is a non-metal which is present in our environment in many phases. Carbon हमारे पर्यावरण में बहुत से रूपों में पाया जाता है और जो carbon होता है वह एक अधातु है. तो सबसे पहले हम carbon की properties पढ़ेंगे कि carbon क्या होते हैं, उसके electronic configuration क्या होता है, atomic number क्या होता है. तो सबसे पहले हम कुछ इसकी properties पढ़ लेते हैं. तो carbon is a non-metal. Non-metal हमें पता है कि जो भी elements non-metal होते हैं वो electricity conduct नहीं करते. इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है. इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4. यह कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमने नीचे लिखा है. यह होता है हमारा 1s2 2s2 2p2. ओके, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है मतलब हमारा क्या हो गया, 2 और 2, 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है. तो ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? तो हम ये देखेंगे कि जैसे अगर किसी में अगर एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करता है, या अगर एक है या तो 2 है तो उसको उस एलिमेंट के लिए बहुत ईजी होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब दैट मीन्स या तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में है तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन का गेन करना पड़ेगा. दैट इज वेरी डिफिकल्ट करेगा. उसके लिए बहुत ईजी रहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे. ठीक है, अगर एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको लूज करके दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकता है, दूसरे एलिमेंट के साथ. और वो क्या बनाएगा, उसमें आयनिक बॉन्ड बनाएगा. आयनिक बॉन्ड क्यों? क्योंकि वो लूज कर रहा है तो वहां पे प्लस साइन हो गया, और जो एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है वहां पे नेगेटिव साइन हो गया. तो यहाँ पे 2 आयन्स बन गए, इससे हमारा आयनिक बॉन्ड क्रिएट होगा. बट कार्बन क्या करता है कि कार्बन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, जो कि ना ही वो बहुत ही ज्यादा उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी अगर वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है. सो इसके लिए बहुत ईजी होता है कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, किसी भी और जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसके साथ वो शेयर करके बॉन्ड बनाए. तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड बनाया जाता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड. क्योंकि इसमें आयन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इसलिए आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है. ये ग्रुप 14 एलिमेंट है और ये पीरियड टू. हम पीरियड्स कैसे डिसाइड करते हैं इसके? अब जैसे अगर 1s2 है, इस नंबर ये हमारा पीरियड होता है. ठीक है, अगर 1s2 है तो मतलब ये फर्स्ट पीरियड में. यहाँ पे देखिए 2s2 2p2 है तो ये सेकंड पीरियड में. अगर जब यहाँ पे 3s2 या तो 3p2 3 रहेगा तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट रहेगा. तो ये हमारा पीरियड डिसाइड करता है. ठीक है, कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट इलेक्ट्रॉन. टेट्रावेलेंट इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं मोनोवेलेंट, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं डाईवेलेंट, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्राईवेलेंट, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं टेट्रावेलेंट, 5 होते हैं पेंटावेलेंट, 6 होते हैं तो हेक्सावेलेंट. इस तरह इसके जितने भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे ये नाम दिया गया है. अब कार्बन की प्रॉपर्टीज में आता है कैटिनेशन. कैटिनेशन प्रॉपर्टीज क्या होती है? इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है वो स्वयं के साथ ही चेन बनाने लगता है. इस वजह से इसकी जो ये प्रॉपर्टी होती है सेल्फ चेन बनाने की, वो होती है कैटिनेशन. इससे क्या होता है, वो सेल्फ चेन बनाकर बहुत ही हैवी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है. कैटिनेशन प्रॉपर्टीज में ये होता है कि जो कार्बन होता है वह सेल्फ के साथ ही चेन बनाता है, मतलब सेल्फ एलिमेंट के साथ ही वो चेन बनाता है. इससे ये बहुत ही ज्यादा हैवी एटम्स बनाते हैं, हैवी कंपाउंड्स बनाते हैं. इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ चुके हैं. कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 और C14. जो C14 होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. मुक्त रूप में कार्बन अपने विभिन्न रूपों में पाया जाता है. संयुक्त अवस्था में कार्बन बहुत से यौगिक में पाया जाता है. ठीक है, इसका अब पढ़ेंगे कि मुक्त रूप में कार्बन किस में पाया जाता है और यौगिक में कार्बन किस में पाया जाता है. कार्बन का जो मुक्त रूप है, और 2 रूपों में पाया जाता है कार्बन हमारे नेचर में, मुक्त रूप में और संयुक्त रूप में. मुक्त रूप में जो होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होता है. संयुक्त रूप से ये नंबर ऑफ जो भी हमारे कंपाउंड्स है वो है. तो जो हमारा मुक्त रूप है वो हमारा क्रिस्टलीय होता है, अक्रिस्टलीय. अब दोनों क्रिस्टल में क्या होता है, जो उसका अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का वो बहुत ही ज्यादा डेफिनेट होता है, उसका जो अरेंजमेंट होता है. और जो अक्रिस्टलीय होता है उसमें जो उसकी संरचना होती है वो एक डेफिनेट संरचना ही नहीं होती है, मतलब जो उसमें अरेंजमेंट होता है उसमें कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता है अक्रिस्टलीय में. तो ये हमारा मेन डिफरेंस है क्रिस्टल और जो हमारे नॉन क्रिस्टल होते हैं. क्रिस्टल में क्या होता है, देयर इज अ डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम, देयर इज अ नॉन डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम. इसमें एटम का जो हमारे परमाणु होते हैं उसका जो
एक निश्चित व्यवस्था होती है हमारे क्रिस्टलीय में, और परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, उनकी कोई भी संरचना कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है अक्रिस्टलीय रूप में। तो जो हमारे क्रिस्टलीय रूप है वो तीन होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, इसको हम वन बाई वन करके पढ़ेंगे। और जो हमारा अक्रिस्टलीय रूप है, जैसे लकड़ी का कोयला हो गया, जंतु चारकोल हो गया, सुगर चारकोल, लैम्प ब्लैक जिसको हम काजल कहते हैं, ये हमारे कार्बन के मुक्त रूप में, जो कार्बन है वो हमारे नेचर में मुक्त रूप से पाया जाता है। और जो हमारा कार्बन है वो हमारे नेचर में संयुक्त रूप से पाया जाता है, चूना पत्थर जिसको आप संगमरमर करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, खाने का सोडा जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaSCO3, धावन सोडा है Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कुछ हमारे जो है संयुक्त रूप से कार्बन पाए जाते हैं हमारे नेचर में, हमारे एनवायरमेंट में। सभी सजीवों में कार्बन और उसके यौगिक पाए जाते हैं, कुछ निर्जीव पदार्थों में कार्बन मुक्त या यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे जो भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं, जो हमारे सजीव होते हैं, जितनी भी जैसे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सब में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है और उसके यौगिक पाए जाते हैं। जबकि कुछ निर्जीव पदार्थ होते हैं, निर्जीवों में क्या होता है, वो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन कुछ निर्जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा अभी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इनमें कुछ मात्रा में कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जिसका हम औषधि के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे अगर हमें फीवर होता है, बुखार होता है, तो एंटीपायरेटिक होता है, पेट दर्द में जो दवा ली जाती है एंटी स्पास्मोडिक, सर दर्द में होता है एनाल्जेसिक, घाव के लिए हम उपयोग करते हैं रोगाणु नाशक घोल, इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। मुक्त रूप से कार्बन हमें पता है कि जो हमारा पाया जाता है वो तीन रूपों में पाया जाता है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। इसमें क्या होता है कि इसमें रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण भिन्न होते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो मुक्त रूप है यहाँ पे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स में क्या होता है, जो भी कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं उनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, जबकि उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होता है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो दिखता कैसे, उसका अरेंजमेंट क्या है, ये सब हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट होते हैं किसी भी एलोट्रॉप के। तो कार्बन के दो तीन एलोट्रॉप है, हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरीन है, जिसको हम कहते हैं बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डायमंड हीरा, पहला एलोट्रॉप जो कार्बन का है, ये होता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसको हम कहते हैं कि जो हीरा होता है वह एक कार्बन का पारदर्शी क्रिस्टली अपरूप है, एलोट्रॉप है। इसमें कार्बन का जो एक परमाणु होता है वो कार्बन के अन्य चार परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। चतुष्फलकीय व्यवस्था हमारा क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, हार्डेस्ट नोन मटेरियल ऑफ नेचुरल मिनरल। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट त्रिविमीय संरचना है, एक परमाणु चार अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है हीरे में। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109°5 रेडियन। ये एक बैड इंसुलेटर होता है। जो हमारा हीरा होता है वह एक इंसुलेटर होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। और हीरा का जो प्रयोग है वो किया जाता है कांच काटने में, धातुओं में छेद करने, विभिन्न कोड़ों पर काटकर गहने एवं अंगूठी बनाने में। और हमारे देश में हीरा जो पाया जाता है वो पन्ना, सतना जो कि मध्य प्रदेश में है, बांदा, गोलकुंडा जो कि कर्नाटक में है, इन सब जगह हीरा पाया जाता है।